हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम डीसी मोटर को पैरेलल में जोड़ने वाले हैं सामंत क्रम में। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो दो डीसी मोटर है, और ये जो लाल निशान दिख रहा है दोस्तों आपको, ये प्लस है मोटर का और दूसरा वाला माइनस है दोस्तों। तो आज हम इन दोनों मोटर की सहायता से आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि सामंत क्रम में मोटर को कैसे जोड़ा जाता है बैटरी से। तो ये मेरे हाथ में है लिथियम आयन बैटरी दोस्तों, इसी का यूज़ करने वाले हैं, और ये सॉकेट मैंने बनाया था बैटरी को लगाने के लिए, इसी का यूज़ करके हम इसको बैटरी से जोड़ने वाले दोस्तों। यह है स्विच और इसका यूज़ करने वाले दोस्तों हम, ताकि मोटर डायरेक्ट चालू ना हो जाए। तो ये मोटर मेरे हाथ में है दोस्तों, ये प्लस मोटर का और ये बैटरी का प्लस अभी हम जोड़ देंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए शोल्डर आयरन की मदद से हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो ये कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ये बैटरी के प्लस से हो चुका है कनेक्ट। और चलिए अभी दूसरी मोटर ले लेते हैं, और इसका जो प्लस है ये वाला, इसके प्लस से जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो ये प्लस इसके प्लस से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट अभी शोल्डर आयरन की मदद से। तो ये लगभग हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम दोनों जो मोटर है उनका माइनस जोड़ेंगे दोस्तों, ये माइनस। लेकिन उसके पहले स्विच को लगा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कनेक्शन पूरा करेंगे ना तो मोटर चालू हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए हमें स्विच लगाना ज़रूरी है। तो मोटर का दोनों माइनस अभी पहले जोड़ लेते हैं, ये माइनस, ये भी स्विच से, और ये दोनों मोटर। तो शोल्डर आयरन की मदद से हम फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक कनेक्शन पूरा हो चुका है और अभी ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब बारी आती है स्विच की, क्योंकि तभी सर्किट जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे माइनस में मोटर के। तो ये स्विच यहाँ पे जोड़ लिया हमने, और ये भी मोटर के माइनस से जोड़ लेते दोस्तों। तो ये भी कंप्लीट हो ही गया अभी, तो स्विच भी जुड़ चुका है दोस्तों। और अब इसको ऑन करने की बारी आती है, ये प्लस आया बैटरी का मोटर में, और ये दोनों मोटर में जुड़ चुका है दोस्तों। ये माइनस इसी तरह से दोनों मोटर में नेगेटिव में जुड़ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे टेप लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि मोटर घूम रही है या नहीं, रोटेट हो रही है नहीं। तो चलिए स्विच ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मोटर अच्छी तरह से रोटेट हो रही है। एक बार फिर शुरू करके देखते हैं दोस्तों, तो ये इस तरह से घूम रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है दोस्तों कि कितनी स्पीड है क्या है। तो हम अभी इसके ऊपर एक ब्लैक टेप लगा देते हैं, जिससे हमें अच्छी तरह से दिखेगा दोस्तों किस तरह से घूम रही है मोटर। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो आप देख रहे कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन होता है, समांतर क्रम में कनेक्शन होता है दोस्तों ये। तो ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, अभी हम बैटरी को निकाल के पलटा के देखते हैं कि उसका जो रोटेशन, जो डायरेक्शन है, चेंज होता है या नहीं। तो बैटरी को पलटा दिया दोस्तों, और अब हम इसका जो है डायरेक्शन देखते हैं। तो ये स्विच ऑन किया, और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो प्लस माइनस बदलने से बैटरी का, मोटर की जो दिशा है वो बदल जाती है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर देना। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।